बेटा कैसी हो? मैं कहाँ पर हूँ? तुम घर पर हो बेटा, हमारे पास। ये सब तुमने किया ना जिमन? हाँ क्यों, तुम्हें खुशी नहीं हुई? तुम्हारे लिए यही सही था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ लाने की? हाँ, समझते क्या अपने आप को? और मेरे लिए क्या सही है क्या गलत, ये फैसला तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। जरूरत हो या ना हो, पर मैं तुम्हारा होने वाला हस्बैंड हूँ, तो मुझे पूरा हक है। सोचना भी मत जिमिन, मैं सिर्फ जंकुक की हूँ। मैं उससे प्यार करती हूँ, तुमसे नहीं। मैं मर जाऊंगी पर तुमसे शादी नहीं करूंगी। कान खोल के सुन लो, आई लव जंकुक। तुम भी सुन लो, आई लव यू। ये तुम्हारी प्रॉब्लम है ना कि मेरी। प्रॉब्लम किसी की भी हो, शादी तो मैं तुमसे ही करूंगा। ये सपने सजाना बंद कर दो जिमिन। सपने नहीं सजा रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। मैंने तो तैयारी भी कर लिया। बकवास है, मुझे तुम्हारे बकवास में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं जा रही हूँ अपने जंकुक के पास। पर ताई मेरी बात तो सुनो। क्या हुआ, तुम डर रही हो? मुझे टच करने की दोबारा से कोशिश मत करना। जा रही हूँ मैं। ऐसे कैसे मिस करता है जिमिन, छोड़ो मुझे। अगर मैंने नहीं छोड़ा तो क्या करोगे तुम? छोड़ो मुझे वरना वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। वो कौन? कहीं तुम जंकुक की बात नहीं कर रही हो? हाँ उसी की बात कर रही हूँ। वो मुझसे पागलों की तरह प्यार करता है, जिंदा नहीं छोड़ेगा तुम्हें। था तुम्हें क्या हो गया था? ऐसे कब से हो गई तुम? मुझे अब तक लगा था कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, पर तुमने भी यकीन दिला दिया कि तुमने ऐसा किया है। अब तुम उससे नजरें भी फेर रही हो। उस एक लड़के की वजह से तुमने हम सबको छोड़ दिया। तुम मेरी नजरों से गिर चुकी हो। फिर तो आप लोग मेरी नजरों से गए। आप लोगों को क्या लगता है, आप लोगों ने मुझे यहाँ लाकर अच्छा किया? मुझे मेरे जंकुक से कोई अलग नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। लेकर आ गए तो क्या हो गया, मैं वापस भी चली जाऊंगी। मैं तुम्हें जाने दूंगा, तब जाओगी ना? साथ में सोते थे, प्यार करते थे।
हम साथ में सोते थे, साथ में सोते थे, बहुत प्यार करते थे हम एक दूसरे से। वही रिश्ता है हमारे बीच जो एक हस्बैंड और वाइफ के बीच होता है। हमें कैसे बताओ, हस्बैंड और वाइफ के बीच का रिश्ता समझती हो तुम? क्या क्या है उसने तुम्हारे साथ, कहाँ कहाँ जुआ तुम्हें? यहाँ मम्मा, यहाँ और यहाँ भी, यहाँ पूरे बदन को जुआ है मेरे मम्मा, यहाँ यहाँ बना लो,
होगा, कुछ नहीं हो रहा तुम से, आपको कुछ नहीं होगा। बीबी का ध्यान रखना, बीबी की ध्यान रखना, सब ठीक हो जाएगा, आप ठीक हो जाओ, प्लीज आके मन मत करो। हाँ मैं ठीक हूँ ध्यान, तुम अपना ध्यान रखो, कैसे हो तुम, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना, लव यू। ये सब तो कुछ नहीं होगा और ताई को फॉरएवर ही होंगे, सब लोग रोना मत, वो ठीक हो जाएगा जल्दी। आप सबको तो पता ही है लव इज लव कितना इमोशनल था, तो ये सेकंड बार था, थोड़ा इमोशनल तो होगा ना। और एक्सीडेंट मुझे कराना पड़ा सबकी याददाश्त वापस लाने के लिए, क्योंकि खाते पीते तो याददाश्त वापस नहीं आ सकती ना। तो नेक्स्ट पार्ट का इंतजार करो, सब ठीक हो जाएगा। ओके प्लीज गुस्सा मत करना और रोना भी मत, बाय। लव इज लव।